पहला साल बेमिसाल देख रहे होंगे आप और सोच रहे होंगे कि कोई एक साल का हो गया है क्या, तो आपको बता देते हैं एक साल का तो हुआ है, लेकिन कौन हुआ है, हुआ है शौर्य एकेडमी, क्योंकि बड़े बड़ी एकेडमीज जो है हिसार के ऋषि नगर के अंदर है, लेकिन अगर सिलेक्शन की बात की जाए ना हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर का रिजल्ट आ चुका है भाई। और आपको बता देती हूँ बच्चे जो है 55 सीटों के अंदर से, यानी कि 55 सीट्स के अंदर से कोई 45 सीट्स का दावा कर रहा है, कोई 40 सीट्स का दावा कर रहा है, कोई 35 सीट्स का दावा कर रहा है, लेकिन एक पहली सच्ची एकेडमी मुझे नजर आई है, यही वो है डायरेक्टर इस सच्ची एकेडमी के, जिन्होंने साफ तौर के ऊपर बिल्कुल सच्चाई से बताया कि इनके पास सिर्फ 18 बच्चे पढ़ रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे 18 बच्चे पढ़ रहे होंगे भाई क्या एकेडमी है, आपको बता देती हूँ चौंकाने वाली बात तो ये है, इन्हीं 18 बच्चों में से 13 बच्चों का बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर सिलेक्शन हो चुका है, और रैंक्स भी जो है ना उम्दा दी है, किसी की पहली, किसी की दूसरी, किसी की पांचवी, ऐसी रैंक्स इन बच्चों ने हासिल किया। तो डायरेक्टर से ही पूछ लेते हैं पहले, लेकिन पहले बच्चों से मिलवाऊंगी आपको, पहली रैंक आपकी आई है, मुझे ये बताइए कि एकेडमी का कितना योगदान रहा? ऑलमोस्ट 100%। अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा हो ना भाई उसी एकेडमी के अंदर पढ़ना चाहिए, तो क्या आपने भी यही सोचा था? बच्चे कम हो तो उस एकेडमी में पढ़ना चाहिए, फोकस ज़्यादा होगा। बिल्कुल, जहाँ बच्चे कम हो उस एकेडमी के अंदर हम पढ़ेंगे, तो बच्चों का टीचर्स का फोकस जो है आपस के अंदर इंटरेक्शन बहुत अच्छी होगी। ये बताइए क्या रैंक आई है और शौर्य एकेडमी का कितना योगदान रहा? फर्स्ट रैंक आई है LDV में और पूरा 100% है, मतलब डे में क्लासेस लगती थी, नाइट में भी क्लासेस लगती थी, मतलब हर टाइम टीचर्स अवेलेबल है। ये चेहरा जो है बिना मेकअप के फर्स्ट रैंक की वजह से चमक रहा है। अच्छा, कैटेगरी बताइए, सिलेक्शन बताइए, ये बताइए कौन सी कैटेगरी के अंदर आपकी फर्स्ट रैंक आई है? वैसे तो मैं जनरल की हूँ, बट LDV में मेरी फर्स्ट रैंक आई। तो भाई आपको बता देते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, सिर्फ जो मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये 13 बच्चे वो हैं जो शौर्य एकेडमी की जान है, जिन्होंने अपना शौर्य दिखा करके सिर्फ 18 बच्चों में से 13 बच्चों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आप रिजल्ट रेशो की बात करेंगे ना, यहाँ पर जितनी भी एकेडमीज होंगी आस पास के अंदर, जो मेरी ख्याल से 10 से 15 साल से चल रही होंगी, उनके अंदर 500-500 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इस एकेडमी की बात करूँ ना, सिर्फ एक साल हुआ है, एक साल होने के बावजूद 18 बच्चों में से 13 सिलेक्शन दे दिया। सोच करके देख लेना कि 18 बच्चों में से 13 बच्चों के सिलेक्शन देना कितनी मुश्किल बात है। आप ये बताइए कौन सी रैंक है और किस कैटेगरी में है? मेरी 5th रैंक है, SC कैटेगरी में आई। अच्छा, लग रहा था कि भाई आपकी रैंक आ जाएगी? हाँ, लग रहा था, क्यों, सर ने इतनी तैयारी की थी हमारे पीछे, हमें बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ाया, तो हमें तो लगेगा ही कि हमारी रैंक आएगी। तो आप लोग सुन रहे हैं कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट बच्चे हैं। अच्छा, आप बताइए, पहले से ही सर ना मुझे पहले ही बोल रहे थे कि भाई हमारे इन बच्चों की रैंक आएगी, और आप मुझे शर्त लगा लीजिए बच्चों की रैंक आ करके रहेगी। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास सिर्फ 18 बच्चे हैं, लेकिन आप लोगों को देख करके लग रहा है कि सर ने बिल्कुल सही कहा था। तो क्या लगता है आपके सर भविष्यवाणी भी करते हैं? यस, जो अच्छे से इतनी तैयारी करवाते हैं तो फिर पता तो चल ही जाता है, यानी कि भविष्यवाणी करते हैं पढ़ाई की। अच्छा, ये बताइए कौन सा रैंक आया है, किस कैटेगरी में आया है? 5th रैंक का है, SC कैटेगरी। अच्छा, आप ये बताइए कहाँ से है, और अगर बात की जाए इस एकेडमी की, तो आसपास की बहुत सारी एकेडमीज में आपने डेमो लिया होगा, तो उस क्लास से ये शौर्य क्लास कैसे अलग है? मैं हिसार से हूँ, मतलब और जो बाकी टीचर्स होते हैं एकेडमी के अंदर, वो सिर्फ 45 मिनट का सिर्फ लेक्चर लेते हैं, उन्हें सिर्फ अपने क्लास से मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे टीचर को 1 घंटा लगे या 2 घंटे लगे, वो हर डाउट हर कंसेप्ट को मतलब प्रॉपर बच्चों के दिमाग में बिठाते हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी, ये तो हमारे साथ लड़की आती है, लेकिन ये पीछे आप लंबा सा लड़का देख पा रहे हैं ना, आप लोगों को बता देती, इसकी हाइट ही लंबी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत लंबा है। ये बताइए, मैंने सुना आपकी पहली रैंक आई है, सही है ये बात? यस मैम, PWD के टाइगर में मेरी फर्स्ट रैंक है। अच्छा, कितनी मेहनत लगती है? मैंने तो करनी पड़ेगी, कंपटीशन इतना बढ़ गया है, सर भी लगे पड़े हैं और हमने भी लगना पड़ना है। लगभग कुल मिलाकर के कितने घंटे पढ़ाई की? मेरे तो ये था मैम, 6 घंटे क्लास चलती थी, बाकी के 5 या 6 घंटे और निकल जाते थे लाइब्रेरी में, तो चल जाता है। अच्छा, लाइब्रेरी की बात करो तो लाइब्रेरी के अंदर अच्छे से पढ़ाई होती है? हाँ, यस मैम, बुक्स सारी अवेलेबल रहती हैं? हाँ, बुक तो एकेडमी प्रोवाइड करवाती है और कुछ हम ले लेते हैं। टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग यहाँ तो डे की रहती है, और अगर एक्स्ट्रा क्लास लेनी हो तो इवनिंग में ले सकते हैं, क्योंकि सभी यहीं से हैं और यहीं रहते हैं, जैसे मैं हॉस्टल में रहता हूँ ना, तो इवनिंग में भी चल जाती हैं क्लासेज। और बाकी लाइब्रेरी एकेडमी की तरफ से है 2 लाइब्रेरी, तो हम किसी में भी जा सकते हैं। हाँ, किसी भी टाइम जा सकते हैं। अच्छा, आप बताइए कौन सी रैंक आई है, और आप बताइए कौन सी रैंक आई है, शौर्य एकेडमी का कितना योगदान मानते हैं?
सारे सूर्य अकेडमी का योगदान है मैम। 87 मार्क्स आए हैं मेरे और रैंक है EWS के अंदर मेरी 23rd रैंक है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि अगर शौर्य अकेडमी की बात करूँ तो सबसे बेहतरीन टीचर कौन से लगते हैं और कौन सा टीचर जो ऐसा है जो सबसे बेहतरीन पढ़ाता है? मुझे पता है सारे अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी आपको कौन लगता है? नरेंद्र मलिक सर और सोमदत्त सर। अच्छा तो चलिए उनसे मिलवा देते हैं जिनका नाम लिया गया है, डायरेक्टर है शौर्य अकेडमी के। सर मुझे ये बताइए एक साल हुआ है यहाँ बहुत सारी अकेडमीज के अंदर BSc एग्रीकल्चर को लेकर के हु हल्ला है और सभी दावा कर रहे हैं 40 सीट्स निकालनी है, 45 निकाल लिया, कुल मिलाकर के 55 सीट्स है, लेकिन आपने सच्चाई कैसे उगल दी? किस चीज़ का डर था आपको? मैम सच्चाई उगलने के लिए डर नहीं होता, हिम्मत चाहिए होती है कि आपने जो काम किया है आप उसे एक्सेप्ट करें। जैसे अभी मैं बताऊं आपको, फरवरी में अपन ने स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट सेशन कंप्लीट बोल सकते हैं, एक साल होने में अभी टाइम है अपने को, और उसी दौरान NDA का रिजल्ट भी आना, अपना नीट का रिजल्ट भी आना है, तो और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट सबको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं, आपने बोला कि हु अल्लाह कोई 45 ये, तो एक ही बात बोलना चाहूँगा आपके दर्शकों को, आप एक काम करना, टोटल 55 सीट्स हैं, आपने भी कवर किया है और भी कवर कर रहे हैं, तो कोई 35, कोई 45, कोई 25, सभी अपने अपने बता रहे हैं, अगर इन सबको ऐड करेंगे तो मैम 250 प्लस है ये। बिल्कुल मुझे लग रहा है कुल मिला करके ना अंदर खाते 500-600 सीट्स रखी हुई है रिजर्व, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा हैं, सिलेक्शन इतना ज़्यादा हुआ है और हर एक अकेडमी दावा कर रही है। तो आप दावा कर रहे थे पहले से ही कि 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन पहले भी आप कह रहे थे मेरे सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो भविष्यवाणी कैसे की थी आपने? मैम पहले मेरे पास 18 बच्चे थे, पूरी उम्मीद ये थी कि मेरे 16 बच्चे HU में पहुंच जाएंगे, पर जैसे ही ओरिजिनल रिजल्ट आया है तो उसमें श्योरिटी है कि 13 बच्चे मेरे HU में पहुंच जाएंगे। तो दावा नहीं है मैम, ये मेहनत है, और उसके बाद जो भी इन बच्चों की है, अगर इनको ये बोला गया कि बेटा रात को 2 बजे तक क्लास लगेगी, तो किसी ने ये नहीं कहा नहीं सर ये हो गया वो हो गया, ये बिल्कुल जोश से आते थे, बल्कि टीचर से ज़्यादा जोश इन बच्चों में होता था। और साथ ही साथ जो पूरी फैकल्टी है, जैसे मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, ये हमारे डायरेक्टर सर हैं, सॉरी चेयरमैन सर हैं। अच्छा चेयरमैन सर आप हैं, मुझे ये बताइए शौर्य अकेडमी को शुरू हुए अभी पूरा एक साल भी नहीं हुआ, तो कितनी मेहनत लगती है एक अकेडमी से बच्चों का सिलेक्शन करवाने में? नमस्कार मैडम, बड़ी मेहनत की हमारे सभी टीचरों ने, और बाकी उनके साथ रात दिन हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, हमारी सुबह 6 बजे से लेके और रात के 2 बजे तक क्लास लगती है। रात के 2 बजे तक, यानी कि 3-4-5 सिर्फ 4 घंटे बच्चों को सोने को मिलता है? बिल्कुल, बच्चे हमारे सोते नहीं थे भाई। आपको तो जब सिलेक्शन की भूख होती है ना तो नींद वैसे ही उड़ जाती है। टीचर इस वक्त मेरे साथ है जिन्होंने बच्चों की नींद उड़ाई हुई थी, ये बताइए बच्चों की इतनी नींद क्यों उड़ाई आपने? मैम हमने नींद नहीं उड़ाने का काम किया, हमने मेहनत करवाई है बच्चों से। आपने मेहनत करवाई है लेकिन बच्चों की नींद भी तो उड़वाई है आपने। बच्चों की नींद तो मैम वैसे ही उड़ गई ना, अभी तो कुछ अकेडमियों की नींद उड़ी हुई है कि सिलेक्शन इतने सिलेक्शन, मतलब 18 में से अगर 13 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो हमारी टीम, जैसे सोमदत्त सर हैं एग्रीकल्चर के, या फिर हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, मैंने देखा है, मैं अभी 2-3 महीनों से यहाँ पे आया हूँ, तो मैंने देखा है कि डायरेक्टर सर जो है ना बाकी अकेडमियों के अंदर, मैंने बहुत अकेडमियों के अंदर पढ़ाया है, तो बाकियों के अंदर ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ठीक है, और इनके अंदर जो है ना वो एक तरह का कोऑर्डिनेशन है कि हर एक काम को ये पर्टिकुलरली संभाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि दुनिया का 8वां अजूबा शौर्य अकेडमी बनने वाली है, क्योंकि इतिहास में इतने बच्चों में से इतना सिलेक्शन किसी ने नहीं दिए होंगे। आप ये बताइए टीचर है, बच्चों का कितना सहयोग आपके साथ रहता है, कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है? जब तक टीचर का रिजल्ट 100% तब तक नहीं आ सकता जब तक बच्चा अपना 90% नहीं देता। टीचर जस्ट गाइडेंस के लिए होता है, ना कि उसे गुमराह करने के लिए। हमने कभी किसी बच्चे ये नहीं कहा कि हम 100% आपका एडमिशन करवा के रहेंगे, हमने हमेशा यही कहा था कि हम 90% अगर हम एफर्ट करें तो आपको 90 को 100 करना आपके हाथ में। बिल्कुल, ये शौर्य अकेडमी आप लोग सोच रहे होंगे आखिरकार है का। सर एक बार हमारे व्यूवर्स को एड्रेस बता दीजिए और बता दीजिए अब आगे आने वाले दिनों के अंदर कौन से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। मैम शौर्य अकेडमी जो है वो नियर बस स्टैंड ऋषि नगर गली नंबर 1 में है, और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेरी है अगर किसी पेरेंट्स को, तो वो डायरेक्टली मुझसे बात कर सकता है। और बैचेस कौन से स्टार्ट हो रहे हैं? मैम बैचेस मंडे से 10th ड्रॉपर BSc एग्रीकल्चर, 12th BSc एग्रीकल्चर, 11th और 12th के लिए बोर्ड्स के लिए, साथ ही साथ कंपटीशन, चाहे वो NDA हो, एयरफोर्स हो, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, और उसी में नीट और JEE के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारी जो
जॉब विंग जिसको हम बोलते हैं उसमें सीईटी के लिए, एचएसएससी के लिए, इनके लिए मंडे से रेगुलर बैचेज बैच नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। अभी 6 बैच हम कंप्लीट कर चुके हैं, बैच नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है मंडे से। ठीक है भाई, आप लोगों के अंदर खुशी कितनी है ये मुझे बताना है। मैं कहूंगी हिप्पी भूर्रे आपको करना है फॉर शौर्य एकेडमी। ठीक है, हिप्पी भूर्रे फॉर शौर्य एकेडमी, हिप्पी भूर्रे फॉर शौर्य एकेडमी, हिप्पी भूर्रे फॉर शौर्य एकेडमी। तो जितना जोर इन्होंने आज लगाया ना, एक्साइटमेंट जितनी है इतनी ही पढ़ने के अंदर भी लगाई थी, इसी वजह से इतने ज्यादा सिलेक्शन आए। तो अगर आपका बच्चा भी यहाँ पढ़ना चाहता है तो शौर्य एकेडमी के अंदर आकर के एक बार सर से बात कर सकते हैं कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपकी जो क्लासेस की बात की जाए तो टाइमिंग क्या रहेगी। और एक बार जरूर चाहूंगी कि अगर 18 में से 13 सिलेक्शन दिया है ना, तो आपके बच्चे का एक बार यहाँ आना बनता है, डेमो क्लास लेना बनता है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी बताऊंगी कि आगे आने वाले दिनों के अंदर कौन से कोर्स का और कौन से जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है। तब तक वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि 18 में से 13 सिलेक्शन देना छोटी बात है या फिर बड़ी बात है। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ, बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।